अमृत पिलाना प्रारंभ किया। भगवान बड़े ही भाव से देवताओं को अमृत पिला रहा है। इधर बोलिए राधे रानी सरकार की। इधर हुआ क्या, ईश्वर भानु नाम का एक दैत्य है, भगवान की चतुराई वो जान रहा है कि भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं, ये छलिया विष्णु ही है, और देवताओं को अमृत पान कराने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। तो सर्वभाव नाम का दैत्य देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब देवताओं की पंक्ति में बैठ गया तो भगवान पंक्ति भेद कर नहीं सकते, भगवान के लिए सभी बराबर हो गए, चाहे देवता हो चाहे दैत्य। अब देवताओं की पंक्ति में सर्वभाव नाम का दैत्य बैठा है तो भगवान ने अब देखा कर दिया और उसको भी अमृत पिला दिया। अब चंद्रमा को ये बात पची नहीं, चंद्रमा ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो दैत्यों को भी अमृत पिला रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो जैसे ही चंद्रमा ने कहा, मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम शांत रहो, इसने छल किया है हमारे साथ, इसका दंड हम इसे दे रहे हैं। सुदर्शन को आदेश दिया और सरधड़ से अलग कर दिया। तो अब इनके दो विभाग हो गए, राहु और केतु। जब भगवान ने इनका सरधड़ से अलग किया है तो देवताओं ने ये बात देखी, दैत्यों ने देखी, देवताओं तो मस्त हैं। जब दैत्यों ने ये बात देखी कि और कोई नहीं छलिया विष्णु है जो मोहिनी का रूप धरके आया है, दैत्य फिर क्रोधित हो गए और देवताओं से युद्ध कर दिया। और इधर भगवान मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने के बाद अंतर ध्यान हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। इधर युद्ध परमानेंट चल रहा है जिसको हम देवासुर संग्राम नाम से जानते हैं। परंतु अब की बार ये देवता हैं और बलशाली हैं। तत्र देवासुरो नाम रमः परम नो रोधस्योदन्वतो राजन्तुमुलो रोमहर्षणा। देवासुर संग्राम चल रहा है, इधर देवताओं ने दैत्यों को गिन गिन कर मारना शुरू कर दिया। जब दैत्यों ने ज्यादा आदि धरी है तो अब की बार देवताओं ने राजा बलि को ही मार दिया। जब राजा बलि को मार दिया, ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को न पची। दैत्य गुरु शुक्राचार्य नत सजीवनी विद्या के माहिर प्रकांड विद्वान हैं, जिसके द्वारा किसी को भी जीवित करने की सामर्थ्य है उनमें। तो नत सजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। जब दैत्यों को जीवित किया है तो अब की बार
शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि देवताओं से प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है, और यदि देवताओं से बदला लेना है तो दूसरा कोई उपाय ढूंढना पड़े, क्योंकि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये जड़ी बूटी थी वो खत्म हो चुकी है कि दोबारा हम आपको जीवित कर सकें। तो बलि बोला फिर क्या उपाय है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि अब की बार ब्राह्मणों के पैर पकड़ो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान करो, और जब यज्ञ के अनुष्ठान करोगे तो ब्राह्मण तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन, इंद्र का सिंहासन दिला सकते हैं, तुम इंद्र पे विजय प्राप्त कर सकते हो। तो बलि ब्राह्मणों के पास गया, ब्राह्मणों के पास गया तो उसने अनुष्ठान के बारे में ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने बताया कि यदि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो इंद्रासन पुनः तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो बलि ने कहा शुभ काम में देरी कैसी है? ब्राह्मणों आप यज्ञ का प्रारंभ करिए, संविधाएं हम जुटाते हैं। आज बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं और 100वां यज्ञ चल रहा है। यदि ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि बलेंद्र हो जाएगा, इंद्र पे भी विजय हो जाएगा। देवताओं की माता है अदिति, इनको बड़ी चिंता भाई। कि अभी कुछ ही दिन तो बीते हैं, देवता डर डर के भिखारी बने घूम रहे थे, और अब बलि फिर से अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है। अब किसी को चिंता नहीं, इंद्र का इंद्रासन फिर चला जाएगा और सारा राज्य दैत्यों के पास चला जाएगा। भैया आदित्य ने महात्मा कश्यप से आग्रह किया कि प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। एवं पुत्रेषु नस्तेषु देव मातादितिस्तदः एते द्विष्टपे दैत्ये पर्यत्यप्य दनाथवत्। पयोव्रत का मैया ने पालन किया, पयोव्रत करने से मैया को एक पुत्र की प्राप्ति भई है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है, ऐसा विधान बताया गया। इत्युक्ता सादिति राजन् सभद्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद व्रतमिदं द्वादशान्त बिन्दतः। पयोव्रत जब पूरा हो गया, मैया अदिति के गर्भ से
तम कटुम्बामलम दृष्टा मोदमाना हर्षया। भगवान पटु का प्राकट्य होता है। बोलिए बावन भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है बावन भगवान का। अब की बार प्रभु बावन अंगुल के बन के आए। किसी ने भगवान को मृगशाला भेंट करी, किसी ने छाता भेंट किया, भगवान का यज्ञोपवीत कराया गया। उसके पश्चात मैया को प्रणाम किया पवन भगवान ने और पूछा, मैया आपने किस कामना से हमें बुलाया? आयती मैया ने कहा, देवताओं का राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, 100वां चल रहा है। यदि ये यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र का इंद्रासन चला जाएगा, देवता दर दर के भिखारी हो जाएंगे, और जब यज्ञ उसका चल रहा है तो इस समय देवता युद्ध भी नहीं कर सकते हैं, कोई आक्रमण भी नहीं कर सकते हैं, उसके धर्म के विरुद्ध है, प्रभु नाराज हो जाएंगे, इसलिए हमने आपकी प्रार्थना करी, आपसे निवेदन किया, तो आपका प्राकट्य हुआ है। प्रभु अब किसी भी तरीके से इस समस्या का समाधान करिए। भगवान बावन मैया को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद जहां बलि यज्ञ कर रहा है यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। जब यज्ञशाला की ओर पहुंचे प्रभु, तो बलि यज्ञ में आहुतियां दे रहा है, एकदम से उसकी नजर पड़ी कि कोई तेज पुंज यज्ञशाला की तरफ चला रहा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किं कम करवामते, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किं कम वामते, ब्रह्मन श्रीराम तपा साक्षान मन्ये कार्य वपुर्धरम। जैसे ही बलि ने देखा भगवान सन्निकट पहुंचे, बलि ने आहुतियां देना बंद कर दिया। जब बलि ने आहुतियां देना बंद कर दिया, कुछ खड़ा हुआ, ब्राह्मणों ने कहा कि बैठे रहो बलि, आहुति देते वक्त उठा नहीं जाता है। बलि ने मन में विचार किया कि जिनके लिए आहुतियां दे रहा हूं साक्षात सामने खड़े हैं, और इन ब्राह्मणों की बुद्धि फिर गई है तो हमसे कह रहे हैं बैठे रहो। बड़ी उठ खड़ा हुआ, बावन भगवान को प्रणाम किया है और पूछा, कैसे आना हुआ प्रभु आप बताएं। बावन भगवान ने कहा, कैसे यहां से निकल रहा था, देखा
कि आकाश मंडल की तरफ यज्ञ का धुआं उठ रहा है। तो मुझे लगा कि यहां यज्ञ हो रहा है तो हमें भी चलना चाहिए, हमें भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बलि ने कहा बहुत सारे यज्ञ किए हैं हमने, अभी तक कोई संत महात्मा नहीं आया, शुक्राचार्य जी ने कहा यज्ञ चल रहा है, प्रसाद देने आए हैं, यज्ञ में दोनों का क्या काम है। बलि ने कहा गुरुदेव ब्राह्मण सामने खड़े हैं और यदि कोई दान चाहते हैं तो अपना मुख खोलें, वो कहें हम तैयार हैं देने के लिए। पदान त्रीण दैत्रेंज संहितानी पदामम। बावन भगवान ने कहा हे दैत्येंद्र मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तीन पद पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा कि तीन पद पृथ्वी का क्या करोगे? अरे तुम चाहो गाम कांचनम यस्य गुणवद्धाम इष्टम, दो चार दस गांव ले लो, सोना ले लो, आभूषण ले लो, हाथी घोड़े ले लो, रथ ले लो, बहुत सारी सेना तुम्हें दे दें, तथा नपे मुत वह विप्र कन्याम, कहो तो कन्याएं दे दें, विवाह करा दें तुम्हारा, तीन पद पृथ्वी का क्या करोगे? जब ये बात भगवान ने बलि को समझाई, एता बताई सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, ये हमारा प्रयोजन है, हम आपको क्या बताएं कि तीन पद पृथ्वी का हम क्या करेंगे? हमने याचना करी है आपसे तो आप संकल्प करें, हमने ऐसा सुना है कि संसार में आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है, एक शब्द आता है हिंदी भाषा में देश के प्रति, जब कोई भी व्यक्ति प्राणों की आहुति देता है तो उसको सम्मान के रूप में बलिदान की भाषा से आभूषित किया जाता है। तो आज दिन तक बलि से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ, भगवान बोले ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, संध्या का समय हो रहा है और पूरा दिन तीन पग पृथ्वी के चक्कर में व्यतीत हो गया है, लेना है तो त्रिवाचा करो, संकल्प करो, वरना मना कर दो, हम दूसरी रास्ता देखें। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि इसके झांसे मत आओ, इस वेरो चने साक्षात भगवान विष्णु रत्या, ये और कोई नहीं वही छलिया विष्णु है, यदि तुमको लग रहा है ये कोई बटुक ब्राह्मण है तो इससे पूछते क्यों नहीं,
बलि ने कहा कि गुरुदेव, वैसे तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये विष्णु है, और यदि आपकी वार्ता में, आपके कथन में सत्यता है तो चलो हमने मान भी लिया। जो त्रिलोकी नाथ दुनिया को देते हैं, आज हमारे द्वारे पर भिखारी खड़े बने हैं, भिखारी होकर याचना कर रहे हैं, तो हमें देने में कोई परहेज नहीं है। गुरुदेव ने कहा, पागल हो गए हो क्या? बलि ने कहा, यदि हमने दान नहीं दिया तो गुरुदेव अभी तक जो रीत चली आई है हमारी कि प्राण जाए पर वचन न जाए उस पे कलंक लग जाएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं। तो बलि बोला क्या करें? शुक्राचार्य जी ने दूसरी भाषा समझा दी, स्त्री सु नर्म विवाहे चाप्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मार्थे हिंसायाम नायतम स्याज गुप्सितम। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, झूठ बोल जाओ, यदि कहीं प्राण संकट में है झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं है। और गौ की कहीं हत्या हो रही है, गौ के प्राण बच जाए तुम्हारे झूठ बोलने से, झूठ बोल लो। ब्राह्मण के लिए कहीं हिंसा हो रही है, झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। बलि बोला, ये अपराध हमसे नहीं होगा बोलते बोलते, और आप अपनी सलाह अपने पास रखें। बलि ने भगवान को त्रिवाचा किया कि प्रभु, आप जो तीन पत्र भी मांग रहे हैं, जिसकी याचना करी है, यदि हम देने में समर्थ हैं, आपको ऐसा लगता है तो हम त्रिवाचा करते हैं। भगवान ने कहा ऐसे कुछ नहीं, हम संकल्प भी करेंगे। तो बलि ने गुरुदेव शुक्राचार्य से कहा कि गुरुदेव संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने आनाकानी करी, जिसमें शिष्य का हित हो रहा है गुरु काम कैसे करते। भगवान ने कहा कोई बात, संकल्प करना हमें आता है, हम बच्चों हैं, कर्मकांडी हैं, यदि शुक्राचार्य नहीं करेंगे तो हम स्वयं कर लेंगे। तो जैसे ही हाथ में जल लिया, ओम विष्णु 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 श्री मगतो वहां पर शिष्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य जिस तरीके से संकल्प पढ़ा जाता है पूरा संकल्प पढ़ा, और संकल्प की आखिरी पंक्ति रह गई है जो तीन पद पृथ्वी देनी है। शुक्राचार्य जी को ग्लानि भई, तो शुक्राचार्य जी उसी गड़ुए में बैठे हुए हैं। भगवान ने कुशा उठाई, शुक्राचार्य जी की एक आंख खोल दी, पूरा संकल्प हुआ, भगवान ने विराट रूप बनाया, तीन पग पृथ्वी, एक पग में
पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे ने स्वर्ग लोक। अब बलि से पूछा ये तीसरा पग कहाँ रखा। दृढ़ पांडित्यमान यज्ञा स्तब्धोऽस्यदुपेक्षया। बलि स्तब्ध रह गया, वो नहीं जानता था कि सब कुछ चला जाएगा, फिर भी जो त्रिलोकी नाथ है और दीक्षा ने भी इन पर पृथ्वी मांगी है, हमने दे दिया है, तो अब बलि के पास देने के लिए कुछ बचा नहीं। दो पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। बलि से पूछा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखे बलि। तो बलि ने कहा कि अभी अपने शरीर पर हमारा अधिकार है, प्रभु हमारे मस्तक पे अपना पैर रखें, और जो याचना आपने करी है, जो हमने संकल्प किया है, उसको पूरा करा दें। तो भगवान ने आज बलि के सर पर तीसरा पैर रखा और संकल्प पूरा किया। इधर इधर बलि की ये पत्नी है विंध्यावती, सारा दृश्य देख रही है, और भगवान ने सब कुछ नापने के बाद बलि को बंदी बना लिया। ते सर्वे वामनम हंतुम शूल पट्टिशाया। भगवान ने बलि को बांध लिया। विंध्यावली ने प्रार्थना करी कि स्वामी मेरे पति देवता का क्या अपराध है, प्रभु आपने जो संकल्प किया वो हमारे पति ने पूरा किया, और आपने इनके शरीर को भी नाप लिया, तो हम किसके लिए जिएंगे, आपने हमारे पति को बंदी बना लिया। तो बलि की जो पत्नी है विंध्यावली, उसने जब इतनी प्रार्थना करी है, तो भगवान ने कहा कि हम देख रहे थे कि तुम्हारे द्वारा क्या कथन कहे जाएंगे। भगवान ने बलि को मुक्त किया। तत्पश्चात बलि से कहा कि बलि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो कोई वरदान मांग लो। बलि ने कहा कि तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है आपको, अभी हमारे दरवाजे दीक्षा की याचना कर रहे थे, और 10 मिनट बाद अब हमसे बोल रहे हो कि हमसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा सब कुछ हमारा ही तो है जो आपने दिया है, आपका था क्या। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन अब तो हमारा है। बलि से कहा कि कुछ मांग लो। बलि ने कहा तुम खुद विफंगे हो, और विफंगों से हम क्या मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो देना था वो हमने दे दिया। फिर भी भगवान ने कहा कि हमसे कुछ मांग लो। तो जब बड़ी भाव भक्ति देखी भक्त के प्रति भगवान की, इधर प्रहलाद का पौत्र है, विरोचन का लड़का है, प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने बलि को उपदेश किया, ये त्रिलोकी नाथ, और इनसे ऐसे बातचीत नहीं करी जाती, तुम इनको दिखमंगा बता रहा,
अरे ये तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए। जब प्रहलाद ने उपदेश किया, वत्स प्रहलाद भद्रम ते पे आई तो लाल एम समझाया, तब बलि ने कहा कि